एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन समय बढ़ाया गया है, उसी प्रकार सरकार ने जनता की सहायता के लिए सिक्योरिटी अधिक बढ़ा दी गई है। जीरो ग्राउंड से T9 के लिए जावेद खान। ये समझेंगे कब, ये तो बताओ सच्चा है। मतलब तुम भी पूरे जोर कर लिए, तुमने भी सब कुछ कर लिया, तुमने चैनल पर जो सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके हमारे सहयोग में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बाकी करो, इन मानो ना मानो। लॉकडाउन के चलते सरकार ने जनता की सुरक्षा भी बढ़ाई है। लॉकडाउन के चलते सरकार ने जनता की सुरक्षा भी बढ़ाई है। लॉकडाउन के चलते रोड पर पुलिस की अधिक सुरक्षा देखने को मिली। जीरो ग्राउंड से T9 के लिए जावेद खान।
मोटरसाइकिल ले लो। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, तो हम जो है आज का रोल, इस वक्त हम मौजूद हैं जन सुधारक टाइम्स के ऑफिस में और आपसे बात। जैसा कि अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो लॉकडाउन का समय जो है बढ़ा दिया है, और जिसके कारण से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, सभी को परेशानी हो रही है, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ ये सडनली हुआ, पहले से तैयारी नहीं थी, लोग अपने घरों में पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास भी कोई इसके अलावा चारा नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले सडनली लॉकडाउन किया और उसके बाद दोबारा जो इसको एक्सटेंड बढ़ाया, उसके सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारे केसेस आ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कोरोना बीमारी है इसके सिम्टम्स में कम से कम हफ्ता से लेके 15 दिन का समय लगता है जिससे मरीज़ को ये पता लगता है कि भाई ये मरीज जो है कोरोना से ग्रस्त है। हमारी मीडिया इसमें क्या रोल कर रही है, इसके बारे में बताएं। हमारी मीडिया, जहाँ तक दिल्ली मीडिया एसोसिएशन है, दिल्ली मीडिया एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हम लोग आपस में फ़ोन में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हमारा कोऑर्डिनेट है, और जगह जगह जो जिस क्षेत्र में है वो जगह जगह उन क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की समस्या हो या जनरल सब्जियों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, प्रशासन की समस्या हो, जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँच पा रही है हम लोग डीएम और एसडीएम एडीएम के साथ मिलकर, हमारे बहुत से वॉलंटियर्स में काम कर रहे हैं, जन सुधारक टाइम्स की पूरी टीम काम कर रही है, दिल्ली मीडिया एसोसिएशन की कर रही है, और हमारी एक क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी एनजीओ के साथ काम कर रही है। मैं देखिए, जहाँ तक वो अपने गांव जाना चाहते हैं उनका जो हित है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, ना उन पर कोई रोज़गार की व्यवस्था है, ना प्रॉपर खाने की व्यवस्था है, ना प्रॉपर रहने की व्यवस्था है। अचानक एकदम से लॉकडाउन हुआ, सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि सभी को पर्याप्त उनकी सुविधाएं दी जाए, लेकिन अभी ऐसे हालात में संभव नहीं है। अगर ये बीमारी फैलती है तो ये बहुत बड़ा रूप ले, ये जो कोरोना वायरस की महामारी हमारे देश में फैली है, इस पर पीएम मोदी जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी फॉलो करें इसको, और सबसे पहले मैं क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं जन सुधारक टाइम्स व दिल्ली मीडिया एसोसिएशन की ओर से मैं आज ये अपनी बात अपने सभी सदस्यों के लिए बोलना चाह रहा हूँ, और मेरा ये संदेश है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग सभी देशवासी मिलकर पीएम मोदी का हाथ मजबूत करें और अपने आप को भी सुरक्षित करें, घर में रह के जो भी प्रिकॉशन दी गई हैं उन प्रिकॉशनों को माना जाए, उसको अमल करें और दूसरों को भी सलाह दें। दूसरी बात, हमारे संस्था के द्वारा लगभग प्रतिदिन 500-550 भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो कि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, झुग्गियों में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनको वहाँ पर खुद स्वयं हमारी टीम जाती है और हम लोग वो भोजन को वहाँ पर वितरित करते हैं। नीति आयोग के द्वारा हमारे को स्पेशल एप्रिसिएशन किया गया है, हमारी क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं मीडिया को, और उन्होंने भी हमारी सहायता मांगी है। इसके अंदर हमारे वॉलंटियर एसडीएम डीएम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र का जगह जगह मुआयना करते हैं, कहीं पर किस प्रकार की दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हैं प्रशासन के साथ मिलकर। हमारे रिपोर्टर्स जन सुधारक टाइम्स के अलग अलग जगह में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, गरीब व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन से मदद नहीं हो पाती वो स्वयं इस काम को करते हैं। हमारी क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
खाली दिल्ली में नहीं, देहरादून, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, राजस्थान, उज्जैन, महाराष्ट्र आदि कई जगहों में हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये सभी को संदेश देता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हमने जीतना है और कोरोना को हराना है तो उसके लिए ज़रूरी है हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। धन्यवाद।